आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब पिछले दिनों एक बार अपर बाजार में दुकानें तोड़ने का आदेश हो चुका था। हालांकि ये आदेश तो बहुत सालों से चलता रहा था, हमेशा एक डर का माहौल था व्यापारियों के बीच भी और जिनके भवन टूटने वाले थे, जिनके पास नोटिस आता था। मुझे लगता है रातों की नींद गायब हो जाती थी लोगों की, और हमेशा हर हफ्ते हर महीने अखबार में जब भी वो न्यूज़ आता था तो लोग इसी डर से सो नहीं पाते थे, दौड़ते थे कभी नगर निगम, कभी नगर विकास सचिव के पास, मंत्री के पास, तो कभी धरना प्रदर्शन रैली बहुत बार हुआ पिछली सरकारों में मैंने देखा। और हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये सारे मकान जो पहले बन चुके हैं, उस समय इस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई ऐसा नियम नहीं था कितना छोड़ना है कितना रखना है, और लोगों ने अपने मन से बना लिया और राजधानी बनी, उसके बाद अचानक से इस तरह के नियम बनाए गए, तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना ही चाहिए। वो खौफ जो लोगों की नज़र में नज़र आती थी तो वो मुझे हमेशा बहुत तकलीफ दे लगता था। तो अपर बाजार में एक बार तोड़ने की बात आई और चेंबर के वर्तमान तत्कालीन जो अध्यक्ष थे वो और पूरी टीम और तमाम लोग वहाँ पर पहुँचे, और मुझे भी उन्होंने फ़ोन किया तो मैं भी गई सुबह सुबह, और दिन भर हम लोग वहीं बैठे रहे और हम लोगों ने बहुत मुश्किल से उसे रोकने से तोड़ने से रोका, और ऐसा लग रहा था कि उस दिन तो टूट ही जाएगा। मुझे लगा यही तो इस शहर की जान है, क्योंकि कोई भी शहर उस खाली मैदानों से नहीं बनता। सालों साल, 100 साल 2 साल से जो भवन बनते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, जो दुकानें होती हैं, वही उस शहर की पहचान होती है। तो दिल्ली का कनॉट प्लेस, उसको तोड़ दिया जाए तो कैसा रहेगा दिल्ली? उसी तरह से कोलकाता का बड़ा बाजार, उसे अगर तोड़ दिया जाए तो क्या रहेगा? तो मुझे भी हमेशा ऐसा महसूस होता था, और चेंबर के तमाम जो माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण, उनके साथ मिलकर हमेशा इस पर बातचीत होती थी। मैं मेंबर भी बनी चेंबर की, तो मुझे भी लगा कि उन गलियों में मैं भी बचपन से आती जाती रही हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोग कुछ करें। और मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कही और उनसे कहा कि कुछ करना है, तो उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव जवाब दिया था। लेकिन धीरे धीरे सरकारी काम जैसे होता है, तो फिर इधर हम लोग लगातार प्रयास तो कर ही रहे थे, बातें भी हो रही थी, इधर किशोर मंत्री जी आए बने अध्यक्ष, तो फिर से इस मामले में हम लोगों ने इनके साथ मिलकर बातचीत की कि अब इसे करना ही है। और फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों ने समय लिया, वहाँ मिले, और प्रधान सचिव विनय चौबे जी ने भी हमारा साथ दिया, और सब लोगों ने मिलकर पूरी टीम, चेंबर की टीम, हम लोग सभी बैठे, और आपके सुझाव वहाँ आप लोगों ने बताया, आप लोग काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं, काफ़ी दिनों से इस पर काम कर रहे हैं, तो उस सुझाव को भी उन्होंने समझा और एक ड्राफ्ट बनाया, और अब ये ड्राफ्ट आप लोगों के सामने है। और हमें अच्छा लगा कि आप लोगों की सलाह भी ली गई, क्योंकि मैंने ये बात उनसे कही थी कि चेंबर की तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि कई बार सरकारी अधिकारी अपने हिसाब से बना देते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, और बाद में उस त्रुटि की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो कोई त्रुटि ना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आम जनता को इसका मौका दिया जाए कि वो उसमें अपना अपनी अपना सुझाव दे, और उसके बाद फिर मिल बैठ के उसे पारित किया जाए। तो इसे मान लिया गया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और विनय चौबे जी को धन्यवाद देती हूँ, और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी होगा, क्योंकि सिर्फ रांची में ही मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख, रांची में 1.5 से 2 लाख, हाँ उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मकान और दुकान टूटने वाले थे अगर ये नहीं आता तो, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को तो लोग मानेंगे ही। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड के बहुत सारे ऐसे लोगों को इससे राहत मिलेगी और लोगों को अच्छी नींद आएगी। जी, जी। तो मैं इसके लिए सबसे पहले चेंबर को, हाँ देवघर से भी बहुत फ़ोन आ रहा है, तो चेंबर के तमाम पूर्व अध्यक्षों को, अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष को, तमाम पदाधिकारियों को और मेंबर्स को जिन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।